हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कबाब, जो कि बनेंगे सोयाबीन। जो चूरा होता है सोयाबीन का, उससे बनाने जा रही हूँ सोयाबीन कबाब। तो इसके लिए मैंने 2 कटोरी सोयाबीन लेने हैं, 1 कटोरी, ये 2 कटोरी। इसको पहले उबाल लेंगे, 2 गिलास पानी जाएगा इसमें, 1 से 2 उबाल देने हैं इसको। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच। और 1-2 उबाल दिला के इसको गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। पूरा न्यूट्री को बॉईल कर लिया है और उसको पानी से निकाल के धो लिया है अच्छे से, बिल्कुल पानी निचोड़ लिया है। उसके बाद ये इस तरह से है। अगर आपके पास दूसरी वाली न्यूट्री है, मोटी वाली, तो आप उसको भी इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। इसी जार में डाल लेंगे और ज़रा पीस लेंगे। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, ज़रा सा इसको पीस लेंगे। मिक्सी में इसको हमने पीस लिया है। अब इसमें मिला देते हैं अपने मसाले। 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। थोड़े से मीडियम साइज़ के प्याज, 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 1/2 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, ये सिर्फ कलर के लिए डाली मैंने। लाल मिर्च भी आप अपने स्वाद के अनुसार, अगर आप तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 1 बड़ा चम्मच डाली है। थोड़ी सी मैं चिली फ्लेक्स डालूँगी, गरम मसाला भी डालूँगी, चिली फ्लेक्स थोड़े से, रेड चिली फ्लेक्स। आधा बड़ा चम्मच गरम मसाला, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इससे। कर देते हैं मिक्स। ज़्यादा बिल्कुल पेस्ट सा नहीं बनाना है इसको, हमने जब पीसा था मिक्सी में तो थोड़ा दरदरा सा ही रहने देंगे। अगर आपके पास न्यूट्री चूरा नहीं है तो आप दूसरी न्यूट्री जो है आपके पास, अगर मोटी वाली, तो उससे को भी आप इसी प्रोसेस से बना सकते हैं मिक्सी में पीस के। इसको अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो इसमें साथ ही डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच बेसन, 1/4 चावल का आटा। चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं इसकी जगह। और इसको मिक्स कर देती हूँ। तो ये सब मिक्स हो गया है, इसको हम शेप दे देते हैं। आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसको, कोई भी शेप, कोई भी साइज में आप इसको बना सकते हैं। ये शेप दे दिए मैंने और इसके अंदर लगा दी है टूथपिक। आप चाहें तो इसको बड़े साइज का भी बना सकते हैं, अगर आपके पास सीख है बड़ी वाली तो। इस तरह से इसमें लगा देंगे। इसी तरह से सारे कबाब हम बना देंगे। तो ये सारे रेडी कर लिए हैं मैंने, शेप दे दिए इनको, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। कुछ मैंने टूथपिक लगा लिए कुछ कबाब में, आप चाहें तो सारों में लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ना भी लगाएं, इसमें टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। मैंने थोड़े से टूथपिक लगा के रेडी कर लिए हैं। तो अब इन सबको फ्राई कर लेते हैं, चलते हैं अपने किचन की ओर। तो गैस पे रख दी है कढ़ाई और इसमें डाल दिया है ऑयल। गैस का फ्लेम तेज़ है, ये गर्म हो जाए तो हम
इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को स्लो कर लेंगे, नहीं तो ये बीच में से कच्चे रह जाएंगे। डाल देते हैं। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनेंगे। ये टूथपिक वाले भी मैं बीच में ही डाल रही हूँ, ज़्यादा इनको नहीं भरना, एकदम से आसानी से जो फ्राई हो जाएं। अब मैं गैस की फ्लेम धीरे कर देती हूँ जिससे ये अंदर से कच्चे ना रह जाएं। तो इसको पलटा देंगे, एकदम से सारे ज़्यादा नहीं डालने हैं, नहीं तो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे ये। यहाँ मैंने 7 से 8 पीसेस डाले हैं। ये देखिए एक तरफ से हमारे फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम मीडियम ही रखी है मैंने, तेज़ फ्लेम पे ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं, इसलिए तेज़ फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना है। बहुत ही हेल्दी बनेंगे ये, क्योंकि ये सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है। तो दूसरी तरफ से भी फ्राई हो चुके हैं, पलट लिया हमने दूसरी साइड से भी, दूसरी साइड से भी फ्राई हो चुके हैं ये। अब इनको निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से दूसरे भी और डाल देते हैं इसमें फ्राई करने के लिए। फ्राई करते वक्त गैस की फ्लेम लो ही करनी है। टूथपिक के साथ भी मैं डाल रही हूँ, थोड़े से मैंने टूथपिक वाले तैयार कर लिए थे कबाब। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो बेशक टूथपिक सब में ना लगाएं। इस तरह से सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, तो देखने में देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। खाने में ये उतने ही टेस्टी बनते हैं और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत है, तो ये हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने इसको डीप फ्राई किया है। तो देखिए आप, खुशबू भी इसकी बहुत लाजवाब आ रही है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।